हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ एग्जाम पास करें में। साथियों, हमारी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज जो है वो चल रही है। फटाफट 10 मिनट में मैं जो है 18 से 20 क्वेश्चन आपको भी करवाता हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल 2018 वाली भर्ती के सारे प्रश्न इसमें वीडियो में आपको एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा प्रश्न है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिलों की सीमा दो राज्यों से लगती है, यानी किस जिले की सीमा दो राज्य से लगती है। तो अपना पहला ऑप्शन जो है वो है यमुनानगर, ऑप्शन नंबर बी है रेवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी है महेंद्रगढ़, ऑप्शन नंबर डी है चरखी दादरी। तो बेटा इसका राइट आंसर जो है वो हमारा क्या है, यमुनानगर। क्या रहेगा बेटा, यमुनानगर रहेगा। इसकी जो सीमा है वो किससे लगती है, एक तो लगती है हिमाचल प्रदेश से और एक लगती है बेटा उत्तराखंड से। किससे लगती है बेटा, उत्तराखंड से, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, फतेहाबाद जिले का नाम इसके नामोत्रोत्तरीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है, जिसकी नींव खालिस्तान द्वारा 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खां के नाम पर रखी गई थी। तो इसका बेटा पहला ऑप्शन हमारा है वो क्या है, गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इसका जो राइट आंसर जो हमारा वो रहेगा फिरोज शाह है तुगलक। क्या रहेगा बेटा, फिरोज शाह तुगलक। अगला हमारा प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा है वो है निमर शिवालिक पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर दो है बांगर भूभाग, ऑप्शन नंबर सी है यमुना घग्गर मैदान, ऑप्शन नंबर डी है चंबल घाटी। तो इसका राइट आंसर बेटा वो रहेगा चंबल घाटी, जो कहां पर स्थित है, हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, खालिस्तान की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोधी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति के रूप में बनाई गई थी। तो बेटा इसका ऑप्शन हमारे हैं शाह कलंदर मस्जिद, ऑप्शन नंबर बी है काबुली बाग, ऑप्शन नंबर सी है लाल किला, ऑप्शन नंबर डी है मयूर सिंहासन। तो बेटा इसका राइट आंसर तो हमारा वो रहेगा काबुली बाग मस्जिद। कहाँ पर स्थित है बेटा ये हमारी स्थित है पानीपत में। किसके द्वारा बनाई गई, बाबर के द्वारा बनाई गई, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा भिंडावास राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, नाहर राष्ट्रीय उद्यान और छिलछिला राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका बेटा राइट आंसर जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर पड़ता है, हमारे यमुनानगर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है बेटा, हमारे यमुनानगर में पड़ता है। अगला हमारा प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियों में से नहीं है, अरावली की पहाड़ियों में से नहीं है। तो इसका बेटा जो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, हमारा चेनाब नदी। क्या रहेगा, चेनाब नदी। अगला हमारा प्रश्न है बेटा, हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया, 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल में मिला दिया गया और 1 जनवरी 1992 को पुनः पृथक जिला बना दिया गया, कौन सा जिला है। तो बेटा इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं रोहतक, हिसार, पानीपत और कुरुक्षेत्र। इसका राइट आंसर बेटा वो रहेगा हमारा पानीपत, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष खालिस्तान में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्र रहित नगर घोषित किया गया। तो इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं 2002 में, 2004 में, 2007 में और 2018 में। तो इसका राइट आंसर बेटा वो रहेगा हमारा 2007 में, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया। तो इसके ऑप्शन नंबर एक है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है पानीपत, ऑप्शन नंबर सी है रोहतक, ऑप्शन नंबर डी है तरौली। तो इसका राइट आंसर बेटा वो क्या रहेगा, तरौली रहेगा। तरौली का मतलब क्या है, त्राइन, त्राइन का सेकेंड युद्ध जो लड़ा गया 1192 में, और पहला युद्ध वो लड़ा गया 1100 जिसमें किसकी जीत हुई बेटा, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है बेटा, राज्य का कार्यकारी मुखिया या प्रमुख होता है,
ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर बेटा वो रहेगा हमारा राज्यपाल। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को खालिस्तान की अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन और नए हरियाणा राज्य की सीमा निर्धारण करने हेतु एक आयोग बनाया जिसका क्या नाम था। आइए ऑप्शन से देखते हैं, न्यायमूर्ति जे सी शाह आयोग, न्यायमूर्ति अम कटाजू, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गंगोई। इसका बेटा राइट आंसर जो है वो रहेगा हमारा जे सी शाह आयोग। क्या रहेगा बेटा, जे सी शाह आयोग रहेगा। वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है। तो बेटा हरियाणा में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वर्तमान में वो कितने हैं, 34 है। ये जो है 2018 का क्वेश्चन था, इसके अनुसार जो है 32 हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, 34 राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, अगला हमारा बेटा प्रश्न है, हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्थान खालिस्तान में स्थापित की जा रही है। इसके ऑप्शन है पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़, हिसार। इसका राइट आंसर वो क्या रहेगा हमारा, पानीपत रहेगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। तो इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं शेख मोहम्मद तुर्क, शाह गुलाम जलानी, शाह मोहम्मद रमजान शहीद और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका बेटा राइट आंसर जो है हमारा वो रहेगा शाह मोहम्मद तुर्क। क्या रहेगा, शाह मोहम्मद तुर्क। अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गुगा पीर को खालिस्तान का आरक्षित माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा क्या, सांप यानी सर्प। क्या रहेगा बेटा, सर्प। अगला हमारा प्रश्न है बेटा, बस इसमें जो है बेटा 15 ही प्रश्न पूछे गए थे। और अगर आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है SSC CET 2022। हमारा फेसबुक पेज जो है वो है बेटा एग्जाम पास करें के नाम से। आप फेसबुक पे एग्जाम पास करें नाम सर्च लगाएं, वहां पर हमारा पेज मिलेगा। और साथ ही हमारी जो वेबसाइट है वो exampasskare.com है, वहां पर जाके आप फ्री में नोट्स, पीडीएफ, करंट स्पेयर वगैरह आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।